साई मां कुर्सी है बैठ इधर सुबह ऐसा रमज़ान ईद का ईद मुबारक। ये महीने में पूरे तेलंगाना में पूरे में गंगा जमुना तहजीब जैसे पूरे हिंदू मुसलमान जो मिलजुल के इफ्तार खोल के हर एक फंक्शन में भी ऐसे अटेंड होते रहते थे। आज महबनर में भी किधर भी देखो कि एक गली में भी ऐसा सोप लोग इफ्तार खोल के और रमज़ान के दिन भी अच्छा मिलजुल के रहते थे। आज और अच्छा ये मैमनर डेवलपमेंट होना, आप लोग डेली आप लोग दुआ देते, नमाज पढ़ते, फाइव टाइम्स नमाज पढ़ते, वो नमाज में भी अच्छा पूरे अच्छा लोग हों, नमाज में मैमनर अच्छा होना, सब अच्छा रहना करके आप लोग दुआ करना। और माइनॉरिटीज़ को हम इससे पहले हमारा गवर्नमेंट भी तोहफा देते थे और रमज़ान में और क्या क्या सहूलत है वो एरिया में पानी का बिजली का और एक इंतज़ाम करते थे। ईदगाह का भी काम शुरू करें और ऐसा गवर्नमेंट भी वही कंटिन्यू करके अच्छा करें तो अच्छा मुस्लिम भाई बहनों को मैं ये रमज़ान के फेस्टिवल के ये एक महीने तक रोज़ा हर एक दिन रोज़ा रह के हर एक मुस्लिम भाई बहनों डेली फाइव टाइम्स नमाज करके इतना स्ट्रिक्ट जो आपके कुरान में भी ऐसी ये तो आपके पूरा भगवान के दुआ रहता हर एक आदमी एक डिसिप्लिन से रह के ये रमज़ान से ईद को मुबारक दे रहा। नौजवानों ने मदीना मस्जिद के जानिब से आज इफ्तार का इंतज़ाम किया गया था, इफ्तार पार्टी का इंतज़ाम किया गया था। हर माह रमज़ान में जो इफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है उसमें जो है सभी मज़हब के लोगों को बुलाया जाता है। गंगा जमुनी तहजीब जो हमारे तेलंगाना हुकूमत इस पिछले हुकूमत बीआरएस हुकूमत ने केसीआर साहब ने शुरू की थी उसको बरकरार रखने के लिए सारे हम लोग जो है मिलजुल के जो है इफ्तार पार्टी में जो है शामिल होते हैं। मैं ख़ासकर हमारे तेलंगाना के मुसलमानों से मैं एक बार ये बोलना चाहता हूँ कि हमने पिछले हुकूमत में बीआरएस के हुकूमत की जानिब से हुकूमत की तरफ से जो है इफ्तार का इंतज़ाम किया जाता था, रोज़दार की कदर करके हर तालुक़े में हर मंडल में हुकूमत के जानिब से रोज़ इफ्तार का इंतज़ाम किया जाता था और गरीबों में कपड़ा बांटा जाता था। लेकिन इस बार जो है हुकूमत कांग्रेस की हुकूमत जो है उन चीज़ों से बहुत दूर है, लिहाजा इस चीज़ को गौर करने की ज़रूरत है आज खासकर दरगाह मुसलमानों को
तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत बनने के 3 महीने से आप देख सकते हैं कोई भी ऐसी चीज़ मुसलमानों के हक़ में नहीं की गई, बस ये सोचने के मुबारक। शुक्रिया।